हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने विभिन्न प्रकार की आवर्त सारणियों के बारे में पढ़ा। अब हम आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की आवृत्ति प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सर, हम यहाँ पे दोनों प्रकार के गुणधर्म यानी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म की आवृत्ति प्रवृत्ति को देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म की आवृत्ति प्रवृत्ति। आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त में तत्वों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। तो वर्ग व आवर्त में, वर्ग में मतलब कि हम आवर्त सारणी में वर्ग यानी समूह में ऊपर से नीचे चलें या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, तो हम देखते हैं कि तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन मतलब लगातार वृद्धि या लगातार कमी। जैसे कि हम अगर आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि आवर्त में किसी एक तत्व में कोई भौतिक गुण का मान जो है कम है, उसके बगल वाले में उसी भौतिक गुण का मान उससे अधिक है, उसके बाद वाले में उससे भी अधिक है। मतलब लगातार जो है भौतिक गुण के मान में वृद्धि होगी या फिर अगर लगातार कमी होगी तो इसी को क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो भौतिक गुण होते हैं उनके मान में इसी तरह लगातार वृद्धि या कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ भौतिक गुण दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट है भौतिक गुण परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, ऋण विद्युतीय व धन विद्युतीय गुण और अधातु व धातुओं की क्रियाशीलता। तो इन भौतिक गुणों को भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को जानेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जब किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो नाभिक द्वारा अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल कार्य करता है तो उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो हमें पता है कि नाभिक जो होता है धनावेशित होता है और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो ऋणावेशित होंगे, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच एक आकर्षण बल लगेगा ही, तो उसी आकर्षण बल को यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब आवर्त में या वर्ग में आगे बढ़ते हैं, आवर्त में अगर हम बाएँ से दाएँ चल रहे हैं या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो परमाणुओं के प्रभावी नाभिकीय आवेश हैं उनके मान में भी क्रमिक परिवर्तन मतलब कि लगातार वृद्धि या लगातार कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आवर्त में देखेंगे कि इस तरह का क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनके कोशों की संख्या निश्चित रहती है। मतलब कि अगर किसी एक आवर्त में हम देख रहे हैं कि कोई एक तत्व है जिसके कोशों की संख्या 2 है तो उस आवर्त में और भी जो तत्व होंगे उनके कोशों की संख्या भी 2 ही होगी। तो इस तरीके से आवर्त में कोश की संख्या तो निश्चित रहेगी लेकिन जो उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या में वृद्धि होती है। मतलब कि एक में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो उसके बगल में 2 होगी, फिर उसके बाद वाले में 3 होगी। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी लेकिन कोशों की संख्या जो है यहाँ पर निश्चित रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो नाभिक और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन उनके बीच जो आकर्षण बल का मान है वो बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ऋणावेश बढ़ेगा, तो ऋणावेश और धनावेश यानी नाभिक के बीच जो आकर्षण बल है उसका मान बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो उसी को तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कह रहे हैं, तो यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाएगा। तो उसको उदाहरण से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो जैसे मान लिया कि एक द्वितीय आवर्त हम ले रहे हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें हम 2 को लेके कर रहे हैं, तो ही लिथियम को और बेरिलियम को। तो लिथियम में 3 पर का परमाणु क्रमांक 3 है यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 का 1 हो जाएगा। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है
तो हम देखेंगे कि पहले कोश में उसके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों में को जो कोशों की संख्या है वो निश्चित है, इसमें भी दो कोश, इसमें भी दो कोश। इस तरीके से हम आगे भी जितने तत्व हैं सब में देखेंगे कोशों की संख्या जो है वो दो ही रहेगी, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसमें तीन हो जाएगी, चार, पाँच, छः, सात, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा इसका मान कम होगा। और यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन दो है तो ये इसके बीच जो संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसका मान अधिक हो जाएगा। तो जब यहाँ पे अधिक आकर्षण बल कार्य करेगा तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी अधिक हो जाएगा, और यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आकर्षण कम था तो नाभिकीय आवेश का मान भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम आवर्त में बाएँ से दाएँ चलते हैं तो इस तरीके से चलने पर उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। तो ये हो गया, अब हम आवर्त में देख लिया, वर्ग में देखेंगे। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, लेकिन बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवर्त का उल्टा हो रहा है, उसमें कोशों की संख्या निश्चित थी और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही थी। तो खैर यहाँ पे कोशों की संख्या बढ़ेगी, तो कोशों की संख्या बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगी। तो जब उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसका मान जो है घट जाएगा। जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उसका मान भी घट जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उधर से फर्स्ट ए समूह के कुछ तत्व हैं, तो फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं इसमें हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले हाइड्रोजन, फिर दूसरे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और फिर सीजियम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक एक का विन्यास एक हो जाएगा, तीन का दो काम एक, इसमें सोडियम का दो आठ एक। तो इसमें हम देख रहे हैं कोश की संख्या बढ़ रही है, इसमें एक कोश है, इसमें दो कोश है, इसमें तीन कोश है, लेकिन जो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सब में निश्चित है। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी कम है तो इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आकर्षण बल कम होगा तो नाभिकीय आवेश का मान भी कम रहेगा। और यहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो दूरी सबसे अधिक हो गई तो यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और नाभिकीय आवेश का मान भी जो है घटता जाएगा। इस तरीके से समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी होती है।